आजम खान के बेहद करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक और उसके दो भाइयों की अवैध संपत्तियों पर चल रहा है योगी सरकार का चाबुक। अवैध तरीके से बनाई गई करोड़ों रुपए की बिल्डिंगों पर चल रही है सीलिंग की कार्यवाही। सपा नेता यूसुफ मलिक, उसके भाई आरिफ मलिक और यूनुस मलिक के खिलाफ हो रही है बड़ी कार्यवाही। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र इलाके के हड़तले में करोड़ों रुपए के मकानों को सील करने के लिए जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। सपा नेता यूसुफ मलिक पर कई थानों में 20 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। पिछले दिनों मुरादाबाद अपर नगर आयुक्त के ऑफिस में घुसकर जान से मारने के आरोप में सपा नेता हुआ था फरार। एक पुराने मुकदमे में जमानत तोड़वाकर रामपुर कोर्ट के सामने पेश होते हुए चला गया था जेल। हाल ही में आजम खान ने भी यूसुफ मलिक से रामपुर जेल पहुंचकर की थी मुलाकात। सर, कौन सा अपराधी था और क्या कार्रवाई आज की? यूसुफ मलिक नाम के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुक्रम में उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जब्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हथला क्षेत्र में ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, एक रेजिडेंशियल एरिया है, दूसरा एक बैंक्वेट हॉल है जिसके नाम पे। ये दोनों प्रॉपर्टीज इनका अनुमानित मूल्य लगभग 2.25 करोड़ रुपये है। कितने प्रॉपर्टी